Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 10, mensuration. Now we start the problem number 1. The length of a rectangular table is 3 meter 25 centimeter. एंड इट्स ब्रीथ यानी कि है लंबाई है इसकी इज 3 meter and 25 centimeter एंड ब्रीथ जो इसकी चौड़ाई है पौड़ाई इज 2 meter 50 centimeter. फाइन हमें फाइन करना है द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. लेंथ यानी लंबाई है जो रेक्टेंगुलर टेबल बताया गया है इसकी जो लंबाई है 3 meter and 25 centimeter एंड उसकी ब्रीथ है 2 meter 50 centimeter. नाउ अब हम क्या करेंगे पेरीमीटर उसका फॉर्मूला लिखेंगे. पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप. पेरीमीटर है पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप. हमें किसकी पेरीमीटर मालूम करना है ऑफ द टेबल टॉप. देखिए इन क्वेश्चन क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. जो टेबल का टॉप होता है उसके हमें पेरीमीटर उसको जानना है. अब क्या है यहाँ इसका टेबल का जो रेक्टेंगुलर जो टेबल होता है हम देखते हैं हमारे घर में भी वो रेक्टेंगुलर होता है. इसके बहुत जो सामने इधर दोनों साइड की इक्वल होती है वो जो लंबाई जैसी होती है वो जो ब्रीथ होती है वो दोनों एक साइड दोनों साइड इक्वल होती है और जो लंबाई की दोनों साइड इक्वल होती है और ब्रीथ की दोनों साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर टेबल. तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप एंड फॉर्मूला इज 2 into लेंथ प्लस ब्रीथ. 2 into इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ. हमें क्या करना है जो इसका फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेबल का जो रेक्टेंगुलर चीजें होती हैं उसका फॉर्मूला है. देखिए 2 होती है 2 लेंथ होती है और 2 ब्रीथ होती है. सो 2 into हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दोनों की प्लस करेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ को और जो आंसर आता है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके 2 into अब लेंथ है इसकी कितनी बताई है देखिए यहाँ पर 3 meter 25 centimeter. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 into 3.25 plus 2.50. देखिए यहाँ पर इसकी जो लेंथ है 3 meter 25 centimeter एंड ब्रीथ इसकी है 2 meter and 50 centimeter. सो वी राइट हियर 2 into लेंथ 3.25 plus 2.50 meter. अब 2 into देखिए मैंने क्या करा है 3 decimal लगाया है बिकॉज क्या है 1 meter इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर बस 100 होता है इसके लिए 3 meter और 20 decimal लगाया है हमने 3.25 plus 2 meter और 50 centimeter को मैंने लिखा है 2.50 meter. ठीक है 3.25 plus 2.50 यहाँ प्लस किया है मैंने 5 2 and 5 7 decimal रखेंगे यहाँ एंड 3 plus 2 5. सो 2 into 3.25 plus 2.50 meter और जो हमारा जो यहाँ आंसर है प्लस का हम यहाँ रखेंगे प्लस का आंसर 5.75. अब
टू, टू से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, टू इंटू 5.75 मीटर। देखिए इधर 5.75 इंटू टू, टू फाइव जा 10, जीरो कैरी 1, टू सेवन जार 14, 1, 15, 5 कैरी 1, टू फाइव जार 10, 1, 11, 11.50, क्या है 11.50, सो 2 इंटू 5.75 देखिए यहाँ रखा है मीटर, हमने इनकी प्लस इनके मल्टीप्लाई किया 2 से हमने यहाँ पर, इट इज द आंसर 11.50 मीटर। देखिए यहाँ पेरीमीटर लिखेंगे हम, देखिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के जो शेप्स जो होती है दोनों जो लेंथ होती है दो साइड की, दोनों साइड की इक्वल होती, देखिए एक यहाँ की लेंथ इक्वल होती यहाँ की होती है और यहाँ की दोनों साइड इक्वल होती है, तो 2 इंटू लेंथ में क्या है प्लस, तो लेंथ है 2 लेंथ है एंड 2 ब्रीथ है, देखिए यहाँ पर 2 लेंथ है और 2 क्या है इसकी ब्रीथ है, तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस बी, 2 इंटू लेंथ है 3.3 मीटर 25 सेंटीमीटर, यह मैंने 3.25 रखा है डेसिमल लगाया है, प्लस 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर 2.50 करा है हमने मीटर करा है इसको, तो क्या है इसको डेसिमल लगाया 3.25 प्लस 2.50 मीटर, अब क्या है हमने इसको दोनों की प्लस करनी है हमें यहाँ 5.05257, ओके ये डेसिमल डेसिमल एंड 3 प्लस 2 5, तो 2 इंटू 5.75 इंटू मल्टीप्लाई लेंगे हम यहाँ 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 7 14, 1 15, 5 कैरी 1, 2 5 10, 1 11, 11.50 क्या है मीटर, इसकी क्या आएगी जो रेक्टेंगुलर है टेबल है उसकी क्या आएगी फाइन, हमने पेरीमीटर उसको उसकी जो पेरीमीटर हमने उसकी फाइन की, तो हमें क्या आंसर मिला 11.50 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर टेबल है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, क्या है यहाँ लिखूंगी मैं पेरीमीटर, क्या लिखूंगी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, देखिए यहाँ बताया है पेरीमीटर हमें मालूम करने का है, पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे आ रेक्टेंगुलर टेबल, आ रेक्ट एंगुलर टेबल, एंगुलर टेबल इज कितनी आएगी इसकी रेस की, इसकी पेरीमीटर कितनी होगी इज 11.50 मीटर, क्या आएगी 11.50 मीटर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप, जैसे यहाँ की जो बोथ साइड होती है जो लेंथ उसकी होती है वो इक्वल होती है एंड जो ब्रीथ है वो दो साइड इक्वल होती है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 लेंथ होती है और इसकी 2 ब्रीथ होती है, सो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा पेरीमीटर ऑफ द टेबल ऑफ टॉप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू जो लेंथ है वो 3.25 प्लस ब्रीथ जो है 2.50, वी प्लस ईयर हम यहाँ प्लस किया हमने आंसर आया है 5.75, सो वी पुट ईयर दोनों के हम यहाँ प्लस लिखेंगे
और इसको टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टू फाइव जार टेन, जीरो कैरी वन, टू सेवन जार फोर्टीन, वन फिफ्टीन, फाइव कैरी वन, टू फाइव जार टेन, वन इलेवन। इज आंसर 11.50। सो पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर टेबल इस क्या है, इसकी पेरीमिटी 11.50 मीटर। ओके, आप समझ गए, यहाँ मैंने समझाया आपको। ओके, नाउ सम नंबर टू, फाइंड द एक्सपेंस। इसके एक्सपेंस मालूम करने की कीमत ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर। अभी स्क्वायर बताए, हाँ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 20 मीटर 50 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज एट पर मीटर। अब पर मीटर की रेट कितनी दी है, यहाँ पर 8 है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी कीमत हमें मालूम करना है, जो उसकी पर मीटर की जो उसकी जो कीमत है रेट है वो 8 रुपीज है। ओके, अभी जो दूसरे इसमें है स्क्वायर में है, फोर्थ जो साइड होती है वो सभी इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अभी इसको स्क्वायर टाइप का क्या है प्लॉट हैगा, देखिए इसकी फोर साइड इक्वल होती है। ओके, है ना, तो वन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट जो एक साइड है, तो हम एक साइड पे से फोर साइड मालूम कर लेंगे, बराबर है, जो थ्री साइड अपने पास आई जाएगी, वन साइड दी हुई है तो अपने को फोर्थ साइड तीनों जो बाकी रहती रिमेनिंग वो सब तीनों साइड आ जाएगी। तो वन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 20.50 मीटर। क्या है, 20.50 मीटर है। अब हम इसकी भी पेरीमिटी मालूम करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसकी फोर्थ साइड इक्वल होती है, लेंथ भी होती है ना, और ब्रीथ भी है, सभी इक्वल है, तो 4 इंटू लेंथ। अब ये लेंथ बोले ब्रीथ बोलो, क्योंकि सभी इक्वल है, तो लेंथ ऑफ अ साइड फोर साइड होती है ना स्क्वायर की, तो हम 4 लिखेंगे, इसकी फॉर्मूला 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। देखिए 4 इंटू इसकी क्या है, इसका जो लेंथ है इसकी 20.50 मीटर, ये 20.50 है, तो हमको क्या करना है, इसको 20.50 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर डिवाइड किया है, यहाँ पर आएगा, हम देखें, अरे सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने, 400, 4 5 20, 0 कैरी टू 2 यहाँ रखेंगे, 4 2 8, तो कितनी आई इसकी, इसकी पेरीमीटर कितना आया, 82। क्या है इसकी, 82 मीटर। ओके, अब कोस्ट मालूम करेंगे, हमने चारों साइड मालूम कर ली, अब कोस्ट इसकी क्या होगी, इसकी जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी एक्सपेंस मालूम करना है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट एट रुपीज एट पर मीटर, एक मीटर में कितने रुपीज दिए होते हैं, 8 रुपीज, तो हम 82 में कितने होंगे, तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 82 मीटर। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम करेंगे 8 2 16, कैरी 1 लिखेंगे, है ना, 8 8 64 और 165, तो हमारे पास क्या रुपीज आएंगे, 656। कितने होंगे, 656। ओके, यहाँ दिए कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर टाइप का जो प्लॉट हैगा उसकी एक साइड बताई, बिकॉज उसकी फोर साइड इक्वल होती है, तो हम उसकी फोर साइड लेंगे इसकी पेरीमीटर जो मालूम करने के लिए, है ना, उसकी एक साइड बताइए 20.50 मीटर बताइए, तो हम पेरीमीटर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, एक इसकी चारों साइड एक लेंथ और ब्रीथ इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू, एक पर से हमें सब जो थ्री साइड है वो भी मालूम हो जाएगी, तो यहाँ वन साइड बताइए, हमने वन साइड इसमें बताइए 20.50
इसको हमने क्या क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला है फॉर पेरीमीटर का, जो मैंने यहाँ किया है तो इसका आंसर आया है 82 मीटर। अब इसकी कॉस्ट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रुपीज एट जो पर मीटर है उसकी कॉस्ट 8 रुपीज बताई गई है। अब हमारे पास पाई के आंसर आया है 82 मीटर आया है। अब एक मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज है तो 82 जो है, 82 उसकी जो मीटर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 पर मीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 82 मीटर इज इक्वल टू रुपीज कितनी कॉस्ट आएगी, 656। ये क्या आएगी इसकी, इसकी एक्सपेंस आएगी फेंसिंग स्क्वायर की, स्क्वायर फ्लोट की, तो इसकी क्या होगी, कीमत कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 656। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ 656, क्या लिखेंगे, 656। नंबर 3 यहाँ भी है, फाइंड मालूम करना है द एक्सपेंस ऑफ फेंसिंग अ रेक्ट एंगुलर प्लॉट। देखिए रेक्ट एंगुलर में कितना होता है, यानी जो होती है लंबाई जो होती है, जो उसकी लेंथ होती है, जो दो सामने इक्वल होती है, यहाँ की इक्वल जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ब्रीथ सामने सामने की इक्वल होती है। तो हम जो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एक्सपेंस ऑफ फेंसिंग अ रेक्ट एंगुलर प्लॉट। अब यहाँ रेक्ट एंगुलर प्लॉट है ऑफ लेंथ, देखिए टू साइड की एक बार बताया 24 मीटर 25 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रीथ है वो कितनी है, 18 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसका भी रेट बताया है एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर मीटर, पर मीटर का कितना रेट है, 12 रुपीज। अब देखिए बहुत साइड इक्वल होती है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया है कि जो रेक्ट एंगल होता है उसकी दो दो साइड इक्वल, तो दो लेंथ होती है, टू ब्रीथ होती है, ओके। तो टू इंटू हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्ट एंगुलर प्लॉट। अब हम इसकी रेक्ट एंगुलर प्लॉट की पेरीमीटर मालूम करेंगे, तो यहाँ पर कैसे होगा, टू इंटू देखिये टू लेंथ एंड टू ब्रीथ, सो वी राइट हियर फॉर्मूला 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ओके इज इक्वल टू 2 इंटू जो इसकी लेंथ है वो कितनी बताई यहाँ पर देखिए 24.25 प्लस एंड ब्रीथ इज 18 मीटर 18.25 वी प्लस हियर 5 at 12 and 42.50 क्या है इसकी मीटर आई इसकी, तो ये है 42.50 है ना, 42.50। तो यहाँ पर क्या आया इसका आंसर आया 2 into 42.50 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या मालूम करना है, हमें इसकी एक्सपेंस, इसकी जो है पर मीटर की रेट बताई यहाँ पर मीटर की जो बताया है एक्सपेंस की 12 रुपीज है, तो अब हमें क्या है इससे हमें इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर किया आया है 85। देखिए 2005 कितना होगा 10, कैरी 1 2004 15 एंड 2408, तो इसकी क्या आई इसकी जो है इसका आया तो 2 into 42.50 इसकी 85 की आई इसकी मीटर आया, इसको यहाँ लिखेंगे 85 मीटर। देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी जो रेट मालूम करना है, द रेट ऑफ फेंसिंग जो है इसकी, जो इसकी कॉस्ट कितनी बताइए, रुपीज 12 पर मीटर। अब यहाँ 85 मीटर है तो हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज इक्वल टू 85
इंटू 12, 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 12 5 60, 0 कैरी 6, 12 8 96 और 6 कितने होंगे 102, है ना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग टेप, उसका कितना आएगा 1020, कितना होगा 1020 पढ़ेंगे हम, इसको रीड करेंगे 1020 रुपीज, ये तो रुपीज 1020। वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू, यह है कि फाइंड करना है हमें एक्सपेंस ऑफ फेंसिंग रेक्ट एंगुलर प्लॉट, इसकी लेंथ है 24 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसकी ब्रीथ है 18.18 मीटर 25 सेंटीमीटर, हमें क्या है इसका रेट बताया है पर मीटर का 12 बताया है। फर्स्ट वी राइट हियर फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका फॉर्मूला है 2 × लेंथ + ब्रीथ। देखिए 2 लेंथ होती है, रेक्टेंगुलर होता है तो उसकी 2 ब्रीथ होगी और 2 लेंथ होगी, सो वी राइट द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 2 × लेंथ + ब्रीथ, 2 × इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर पता है कि 24 × डेसिमल रखा है 24.25 + 18.25, ओके। नाउ वी प्लस हियर व्हाट इज द आंसर 42.50, व्हाट इज द आंसर ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ 42.50। नावी मल्टीप्लाई 2, तो 2 से करेंगे तो 2 से हमने किया है 20, 2 क्या है 0, 2 5 10, 0 ऑल्सो यार कैरी 1, 2 2 4 15 एंड 2 2 4 8 85, व्हाट इज द आंसर 85, वी राइट हियर मीटर 85 मीटर। नाउ द रेट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू रूपीज 12 पर मीटर, हमें क्या है पर मीटर इसका रेट बताया है कि 1 मीटर में क्या होता है 12 रूपीज होते हैं, अपने पास है 35 मीटर है, 35 मीटर्स में कितने होंगे, तो नाउ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 85 × 12, हम क्या करेंगे 85 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यार मल्टीप्लाई यार 12 5 60, 06 कैरी 12 8 96 एंड 6 102, व्हाट इज द आंसर 1020, व्हाट इज द रुपीज, हाउ मेनी रुपीज 1020 रुपीज कितनी होगी, 85 की 1 मीटर, 1 जो है मीटर की कॉस्ट है 12 रुपीज है, तो 85 की कितनी, 85 जो मीटर है उसकी कॉस्ट है रुपीज 1020, ओके। नाउ नंबर 4, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1500 स्क्वायर मीटर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1500 स्क्वायर मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 50 मीटर, फाइंड इट्स ब्रीथ, हमें क्या मालूम करना है इसकी ब्रीथ मालूम करना है, लेंथ दी हुई है हमें, ओके। द एरिया बताया है रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया कितना है 1500 स्क्वायर मीटर, अब उसकी लेंथ कितनी बताई है 50 मीटर, अब हमें क्या फाइंड करना है इसकी ब्रीथ फाइंड आउट करना है, ओके।
तो ब्रीथ में फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ। तो ब्रीथ जो हमें फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। हियर एरिया क्या है, 1500 स्क्वायर मीटर है एंड देन इट्स लेंथ इज 50 मीटर। तो हियर एरिया इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, सो एरिया अपॉन लेंथ, व्हाट इज द एरिया, 1500 स्क्वायर मीटर एंड अपॉन लेंथ, एंड लेंथ इज 50 मीटर। जीरो इज कट हियर, यहाँ भी कट कर देंगे, इसको करेंगे कट। नाउ टेबल ऑफ फाइव, फाइव वन जार फाइव एंड फाइव थ्री जार 15, रिमेनिंग जीरो ही पुट हियर जीरो, तो 30 क्या मिलेगा हमें यहाँ, 30, तो क्या होगा 30 मीटर। व्हाट इज द आंसर, 30 मीटर। तो वी राइट हियर द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। नंबर फोर में है, यहाँ द एरिया बताया है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखिए रेक्टेंगुलर होगा ऐसे, रेक्टेंगुलर होता है ऐसा, गार्डन बताया है रेक्टेंगुलर में, देखा है मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, वो गार्डन ऐसा बताया है, लंब चौरस बताया है, जिसकी इक्वल होती है एक साइड, ये साइड दोनों इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर खाली हमें एक एरिया बताया है, इसका जो एरिया है वो बताया है और उसका गार्डन का जो एरिया है वो 1500 स्क्वायर मीटर बताया है। लेकिन ये बताया अगर इसकी लेंथ 50 मीटर हो तो उसकी ब्रीथ हमें फाइंड करना है। देखिए लेंथ बताइए इसकी, लेंथ बताइए यहाँ पर क्या है, 50 मीटर है, हमें इसकी ब्रीथ मालूम करनी है। इसकी ब्रीथ के जो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एरिया इन अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ। हियर एरिया, व्हाट इज द एरिया, कितने बताए हैं, 1500 स्क्वायर मीटर, 1500 भी राइट हियर, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1500 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 50 मीटर। ओके, अब 1500 एरिया में हम लिखेंगे जो एरिया है उसका, एरिया 1500 है एंड जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 1500 क्या है, स्क्वायर मीटर है एंड जो लेंथ है वो 50 मीटर। सो अभी अब हम क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो निकल जाएंगे ये, नाउ फाइव वन जार फाइव, फाइव थ्री जार 15 एंड जीरो रिमेनिंग हियर, सो पुट हियर जीरो, तो 30 बन गया है ना, 30। तो यहाँ पर अपना वन आंसर है इसलिए वजह आंसर हमारा बराबर हो गया, डिवाइड बराबर कर दिया है, यहाँ रिमेनिंग वन ही आया रिमाइंडर, सो ओनली 30 है, तो वी राइट हियर 30 मीटर। क्या है यहाँ पर, 30 मीटर आया है जो उसकी ब्रीथ है, देखिए जो लेंथ हुई 50 मीटर आई तो उसकी ब्रीथ आई कितनी आई, 30 मीटर, 50 मीटर उसकी लेंथ है और 30 मीटर उसकी ब्रीथ आई, तो वी राइट हियर द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, वी कम ऑन ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें क्या है, ब्लैंक्स को ट्रू जो बनाना है, तो हमें राइट जो उसके वर्ड लिखकर उसे स्टेटमेंट को राइट करना है। नंबर वन है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या है पॉलीगॉन, जो बहुभुज होती है इसमें क्या है, तीन या पांच, पांच से ज्यादा जो उसकी जो अपने होती है भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज बोलते हैं। तो इसकी क्या कॉल, इस पेरीमीटर क्या कहलाता है, वो जो उसकी साइड्स होती है
उसे वो क्या कहते हैं हम पेरीमीटर, क्या लिखते हैं पेरीमीटर, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स, जो साइड की जो लंबाई होती है, पॉलीगन, पॉलीगन जो बहुभुज होता है, पांच से ज्यादा होती है जो भुजाएं उसकी, उसे बोलते हैं पॉलीगन, इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। नंबर टू, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है, देखेंगे हम रेक्टेंगल, मैंने बताया दो दो साइड इक्वल होती है, जो सामने हमने की जो होती है इक्वल होती है, जो क्या है कहलाता है, इट्स कॉल्ड रेक्टेंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसमें मैंने बताया है टू लेंथ होती है एंड टू ब्रीथ, सो इट्स फॉर्मूला इज रेक्टेंगल पेरीमीटर, जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, क्या है टू इंटू लेंथ इंटू प्लस ब्रीथ, क्या है ब्रीथ। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू लेंथ एंड टू ब्रीथ, सो वी राइट हियर टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। नंबर थ्री, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जो स्क्वायर होती है उसकी भी फोर साइड इक्वल होती है, जो लेंथ होती है एक सेमी होगी, तो क्या है फोर साइड होती है इसकी, और इसमें भी लेंथ ऑफ साइड होती है इसकी पेरीमीटर में, सो वी राइट हियर जो स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर की जो फोर साइड होती है वो इक्वल होती है, तो फोर लिखेंगे इनटू लेंथ ऑफ अ साइड, इसकी पेरीमीटर होगी फोर इंटू, इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फोर इंटू लेंथ ऑफ अ साइड।